अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुक विद नास फातिमा। आज मैं आपके साथ होली स्पेशल मावा की गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम इसे बहुत आसान तरीके से एकदम हलवाई स्टाइल, या तो यूँ कहें कि हलवाई से भी अच्छी गुजिया बनाएंगे। एक बार आप इस गुजिया की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। गुजिया बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, 3 टेबल स्पून देसी घी है, 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर है। ये मैंने खोया घर पे बनाया है, 350-400 ग्राम लगभग इसमें खोया निकला है। 3 टेबल स्पून सूजी है, 4-5 इलायची इसे दरदरा ली है, और जायफल है इसे थोड़ा से एक चुटकी ग्रेट करके डालेंगे। 15 काजू हैं, 15 बादाम हैं, इसे महीन महीन मैंने कट कर लिए हैं। 3 टेबल स्पून गरी बुरादा है, इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। इस टेबल स्पून से मैंने सारी चीज़ें नापी हैं, घी, शुगर पाउडर, सूजी यानी कि रवा और गरी बुरादा। सबसे पहले गुजिया का डो तैयार कर लेंगे। घी डालते जाएंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी और मैदा इस तरह से मुट्ठी में ऐसे लड्डू बनने लगे, समझिए घी आपका परफेक्ट पड़ा है। अगर आपका इस तरीके से लड्डू नहीं बन रहा है तो समझिए घी आपका कम है, उसमें थोड़ा घी और मिला लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो गया है, इस तरह का डो चाहिए। अब इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गुजिया की स्टफिंग तैयार करने के लिए कढ़ाई में 1/2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें सूजी यानी कि रवा डाल देंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो सूजी चलने लगेगी। और इसे चलाते रहना है। सूजी अच्छी तरह से भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के काजू और बादाम जो कट किए थे उन्हें रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 1 मिनट रोस्ट कर लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। सिर्फ काजू बादाम का कलर चेंज हो गया है, अब इन्हें उतार लेंगे, उसी बॉल में रखते जाएंगे। अब उसी कढ़ाई में ग्रेट की हुई गरी भी 1 मिनट भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। गरी का कलर चेंज हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। अब खोया भी थोड़ा भून लेंगे। बाहर का खोया बहुत नुकसान करता है, मैं सजेस्ट करूंगी कि घर पे बनाया हुआ खोया ही आप लोग इस्तेमाल करें। खोया अच्छी तरह से भुन गया है, कलर देखिए इसका चेंज हो गया है। अब इसे उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं, खोया भी ठंडा हो गया है। अब इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे बॉल में और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी में शुगर पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत से लोग मीठा कम पसंद करते हैं, मैंने इतने मावा में 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर डाला है। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसमें सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें इलायची पाउडर, थोड़ा सा जायफल ग्रेट करके डाल देंगे, इन्हें मिक्स कर लेंगे। गुजिया की फिलिंग बनके तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। 15-20 मिनट हो गए हैं, डो अच्छी तरह से तैयार हो गया। एक बार इसे
फिर इस तरह से गूंद लेंगे। अब इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। लोई बनके तैयार है, अब इन्हें बेल लेंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे बेल लेंगे। ना बहुत ज़्यादा महीन बेलना है, ना बहुत मोटा बेलना है। इस साइज़ की हमें बेलना है, देखिए। इसी तरह से सारी लोइयाँ बेल लेंगे। सारी लोई बेल के तैयार हो गई है। अब एक गुजिया मेकल लेंगे, इसमें ये रख देंगे बिली हुई लोई। अब इसमें इस तरह से पानी लगाएंगे इसके किनारों पे। और बीच में एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे। इसे इस तरह से दबा देंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। बचा हुआ मैदा निकाल लेंगे। गुजिया बनके तैयार है, देखिए कितना अच्छा इसका शेप और डिज़ाइन आई है। इसी तरह से सारी गुजियाँ बना लेंगे। गुजिया शेप मेकर में लोई रखेंगे और इसकी किनारी में पानी लगा लेंगे। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो गुजिया खुल जाएगी। इसमें एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे, स्टफिंग बीच में रखेंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे किनारों पे। बचा हुआ मैदा इस तरह से हटा लेंगे। ये मैदा साइड में रखते जाएंगे, इसकी बाद में गुजिया बन जाएगी। ये बनाने में बहुत मज़ा आता है, आप अपने बच्चों से भी बनवा सकते हैं, बच्चे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रहेंगे। इसी तरह से सारी गुजियाँ बना लेंगे। अगर आपके पास गुजिया मेकर नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। पहले किनारों में पानी लगाया और बीच में स्टफिंग रखी। किनारों को इस तरह से दबा देंगे और एक फॉर्क की मदद से ऐसे चिपका लेंगे। ये देखिए गुजिया बनके तैयार हो गई। चलिए अब मावा गुजियों को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में देसी घी डाला है, घी गरम हो गया। अब गुजिया इसमें एक एक करके डालेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है इसे। इन्हें मीडियम फ्लेम पे पिंक कलर आने तक फ्राई करेंगे और चलाते रहेंगे, इस तरह से पलटते रहेंगे। मावा गुजिया का बहुत अच्छा कलर आ गया है और अच्छी तरह से फ्राई हो गई। अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी बची हुई गुजिया भी फ्राई कर लेंगे। मावा गुजिया बनके तैयार है। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मावा। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी मावा गुजिया बाज़ार से भी अच्छी बनेगी। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।